विद्यालय की छात्र हैं। आरजेडी फिर आपको ऑफर दे रही है, आरजेडी ऑफर दे रही है कि दरवाजा खुला हुआ अगर आप पाते हैं तो विचार किया जाएगा। सामने अरे कौन क्या बोलता उसके चक्कर में मत आइए। अब हम लोग एक साथ हो गए हैं, एक साथ पहले से काम कर रहे हैं और जो जो गड़बड़ी हुई है वो सबकी जांच फांच होगी। अब ऐसे भी कोई भी मिलता है मेरे हमको नमन तो करते ही रहते हैं। आप तो मेरी आदत देखते हैं, तब भी कर रहे थे तो वो लोग अपना आ रहे थे, तुम लोग भी हम भी अपना किए, तो उससे कोई मतलब नहीं है कि कोई हम लोग एक साथ है, क्योंकि हम लोगों ने साथ लिया लेकिन उधर करो थोड़ा सा यार, ठीक नहीं चल रहा है तब छोड़ दिए। दरवाजा खुला कर्पूरी पूरी जी का है, आप जानते ही ना उनका जो जिस दिन हुआ था निधन हुआ था आपको ये समय 17 फरवरी 88, तो हम लोग तो एमएलए थे ही, हमको बनाए हुए थे वो, अब आ करके तुरंत गए उनके गांव तक, और तब से हम लगातार करवा रहे हैं, समझ गए ना। और उसके बाद भी सरकार आई तो हम ही तो करवाए ना उस समय, उस समय तो मेरा भी ना, लेकिन बीच में लोग छोड़ रहे थे लोग, तो हम कितना किए। कर्पूरी जी ने तो दे दिया था पिछड़ा अति पिछड़ा, तो उसमें सरकार में तो लोग कह रहे थे पिछड़ा अति पिछड़ा खत्म करके पिछड़ा करेंगे, हम कितना विरोध किए थे याद करिए ना। हमने कहा कि नहीं नहीं ये होना चाहिए, ये बनते रहना चाहिए, तो नहीं तो गड़बड़ करता तो रह गया, नहीं तो पिछड़ा अति पिछड़ा के लिए उन्होंने किया एकदम बिल्कुल करते रहे हैं, तो इसीलिए तो बहुत अच्छा हुआ ना जी। अब तो दूसरे राज्य भी कई कई जगह पर कुछ कुछ अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा है तेलंगाना में, तो इतना भी कितना बड़ा चीज है जो इन्होंने काम किया। और उसके लिए तो हम सोच लीजिए कि जब से हम सरकार में थे तब से हम डिमांड करते रहे, तब केंद्र सरकार ने कर दिया। अरे एमबीसी हटाओ यार, एमबीसी हटाओ, देख लिए भाई, थोड़ा सा एमबीसी उधर करो ना, फ्रेम में आ जा रहा है।